आप लोग पाकिस्तानी न्यूज चैनल से हैं कनेक्टेड? हाँ हाँ, बोले पहले नाम बता दीजिएगा। मतलब anyone you follow on पाकिस्तानी न्यूज चैनल? ओके, हमें ले आकर लाइक कामरान खान साहब, लाइक कामरान खान साहब, यू नो उनकी बड़ी सबसे बड़ी फैंटेसी है कि बहुत बड़ी करप्शन पकड़ लें। जी हाँ, आज एक कयामत सुग्रा, जी हाँ, कयामत सुग्रा का मंजर देखने में आया जब शारजा में तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा हुई, लेकिन उसके बावजूद मैच शुरू नहीं हो पाया। जी हाँ, एक कयामत सुग्रा का मंजर था खवातीन हज़रात, लोग बावजूद ये कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद शुरू नहीं हो पाया। आमिर लियाकत दबा दे ना, अमेरिका, जापान, चाइना, शुमाली कोरिया, जनूबी अफ्रीका और तमाम ममालिक में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप तमाम अफराद को आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रात, आज मैं आपको बताऊँगा कि शारजा में बुनियादी तौर पर जो मैच शुरू नहीं हो पाया, इसके पीछे भारतीय लॉबी मौजूद। भारतीय जहाज़ों ने आज शारजा में मौजूद बादलों के ऊपर नमक फेंका, नमकियात की वजह से शारजा में बारिश हुई और PSL को नुकसान पहुंचाया गया। खवातीन हज़रात, इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था, वो तमाम अफराद गद्दार हैं, मुहिब वतन नहीं है, और आज मैं उन सब का नाम लेने वाला हूं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक साहब है मुबशर लुकमान, आई होप यू गाइस आर अवेयर ऑफ हिम, मुबशर लुकमान। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक अजीब करप्शन की दास्तान। आज शारजा में मैच हुआ, मैच हो नहीं पाया, इस मैच के पीछे क्यों नहीं हो पाया खातिन हज़रात, इसके पीछे नवाज शरीफ मुलव्वस। मरियम नवाज ने बहुत सारे इंडियंस को पैसे दे के शारजा में बारिश करवाई। बारिश बरसाने वाले वो जहाज़ जो कि बेसिकली बारिश हो नहीं रही, बादल अभी भी देखे, आसमान साफ है, लेकिन ग्राउंड में कवर बिछा रहे हैं, ये सरासर भारतीय साजिश है और मरियम नवाज़ इसमें मुलव्वस है। मैं पूरी साजिश अनवेल करूंगा, लेकिन उससे पहले